हाँ जी, सत श्रीकाल दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूँगा एक फ्री म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में, जिसका नाम है रूट नोट। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल बताऊँगा कि रूट नोट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, कैसे आप म्यूज़िक को सबमिट कर सकते हैं, और कैसे आप रूट नोट के ज़रिए फ्री में जो आर्टिस्ट चैनल है वो ले सकते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। तो एक वीडियो तो मैं पहले भी बना चुका हूँ रूट नोट के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे रूट नोट के थ्रू आप आर्टिस्ट चैनल ले सकते हैं। उसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं रूट नोट की वेबसाइट दिखा देता हूँ आपको, कैसी देखने को मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये रूट नोट की वेबसाइट है। तो रूट नोट में दोस्तों आपको काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जिस पे आपका म्यूज़िक जो फ्री में जाएगा। तो उसमें से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सारे हैं टोटली। और यहाँ पे अगर आप बात करें तो इंडियन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि गाना, विंक, हंगामा, तो यहाँ पे मैं बता दूँ अभी के लिए रूट नोट पे ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इंडियन प्लेटफॉर्म सावन है, वहाँ पर जाएगा आपका म्यूज़िक। और उसके बाद मैं बता दूं, रूट नोट टोटली फ्री नहीं है, लेकिन इसका एक फ्री प्लान भी है, जिसमें से ये आप देख सकते हैं 85% जो हमारी अर्निंग होगी वही हमें मिलेगी, बाकी जो 15% है वो रूट नोट रख लेगा। लेकिन यहाँ पे इनका एक जो प्रीमियम प्लान भी है, जिसमें आपको आपकी जो अर्निंग है वो 100% मिलेगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जो इसका प्लान है प्रीमियम वाला, वो क्या है, मतलब क्या कुछ उसका प्राइस है। तो ये आप देख सकते हैं, जो रूट नोट का जो प्रीमियम प्लान है, उसमें आपको सिंगल अगर आपको रिलीज़ करना है तो उसकी जो प्राइस है वो है $10, ईपी की है $20, एल्बम की $30। और अगर आप अपनी एल्बम में जो म्यूज़िक की जो क्वांटिटी उसे इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो $45 हो जाएगी, और ये एनुअली आपको $10 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप रूट नोट को एज ए फ्री डिस्ट्रीब्यूटर यूज़ करिएगा, क्योंकि ये सर्विस काफ़ी अच्छी देते हैं। आपको कंटेंट आईडी भी रूट नोट प्रोवाइड करवाता है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुका हूँ कंटेंट आईडी के ऊपर, क्या कुछ कंटेंट आईडी होती है, कैसे वर्क करती है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वो कंटेंट आईडी वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे के रखा है रूट नोट के थ्रू कैसे कंटेंट आईडी वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे सबसे पहले तो यहाँ पर आकर एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा साइन अप के बटन पे क्लिक करके। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा। मेरे जो सोशल अकाउंट्स के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर भी मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो साइन अप के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कई ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, साउंड क्लाउड, और आप अपनी मेल के थ्रू भी यहाँ से जो साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि अगर मेल के थ्रू जो साइन अप कर रहे हैं यूज़र्स, उनको जो कन्फर्मेशन कोड होता है वो मेल के थ्रू मिल ही नहीं रहा। तो दोस्तों, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप मुझसे टेलीग्राम पर आप आकर मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर जो कन्फर्मेशन कोड है वही नहीं मिल रहा। तो आपको क्या करना है, आपको इनकी टीम से कॉन्टैक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इनकी टीम का जो ईमेल आईडी है वो मैंने दे के रखा है, आप वहाँ पे उन्हें कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ पे आप अपना इशू बताइए, वो आपको रिप्लाई कर देंगे आपको क्या आगे फर्दर जो स्टेप करने हैं। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों अपना जो अकाउंट है वो मैंने लॉगिन करके रखा है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कैसे आपको अपना म्यूज़िक है जो उसे कैसे रिलीज़ करना है, कैसे आपको अपने म्यूज़िक को सबमिट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 ट्रैक रिलीज़ करके रखे हैं पहले से, और मेरी टोटल अर्निंग है जो वो अभी तक सिर्फ $1.5 ही हुई है। तो अर्निंग मेरी कम ही होती है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको एज ए एक्सपेरिमेंट आपको मैं करके बताता हूँ। वो स्ट्रीम्स पे डिपेंड करती है, जितने ज़्यादा स्ट्रीम्स आएंगे आपकी, मतलब आपके म्यूज़िक को जितना ज़्यादा लोग सुनेंगे, डाउनलोड करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले कि आप कैसे अपने म्यूज़िक को सबमिट कर सकते हैं, कैसे क्रिएट रिलीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चलो दिखाई देता हूँ कि डिस्कोग्राफी में ये मेरे आपको ट्रैक्स देखने को मिल जाएंगे जो मैं ऑलरेडी रिलीज़ करके रख चुका हूँ। यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिलेगी, देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है एक्शन नीडेड, मतलब जो ये मेरे ट्रैक्स हैं ये सारे रिजेक्ट होके रखे हैं, इनमें कोई ना कोई इशू है। तो मैंने, अगर आप चाहते हैं कि ये इशू को फिक्स करना चाहते हैं तो फिक्स रिलीज़ आप कर सकते हैं यहाँ से,
लेकिन मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। मैंने दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से ट्राई किया, वहाँ से रिलीज़ हो गए, वहाँ से कोई इशू नहीं आया। तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ट्रैक में कोई भी इशू नहीं है फिर भी रूट नोट वालों ने रिजेक्ट कर दिया, तो आप किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से ट्राई कर सकते हैं। और इन रिव्यू में आएगा जो आपके रिव्यू में होगा, मतलब अभी जो मैं आपको सबमिट करके दिखाऊंगा वो इन रिव्यू में आएगा, और अप्रूव्ड में है जो ये मेरे ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुके हैं जो मेरे अभी लाइव हैं। और रिमूव फ्रॉम सेल में वो ट्रैक्स आएंगे जो आपके ट्रैक्स आपने टेक डाउन करके रखे हैं। तो टेक डाउन कैसे करते हैं वो भी सिंपल है, जो मैंने आपको मेल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड करनी है अपने इस रूट नोट को कि ये मेरा यूपीसी है, ये देख सकते हैं कोड है मेरा यूपीसी, और यहाँ पे आपको आपका आईएसआरसी कोड मिल जाएगा कि ये मेरा यूपीसी कोड है और ये मेरा आईएसआरसी कोड है कि इस ट्रैक को मुझे टेक डाउन करना है। तो वो आपको इंस्टेंटली रिप्लाई कर देते हैं 3-4 दिन में कि हम आपका जो ट्रैक है वो 7 से 8 दिन के अंदर अंदर टेक डाउन हो जाएगा हर एक प्लेटफॉर्म से। तो आप जो आपके जो ट्रैक्स आप टेक डाउन करेंगे वो आपके इस टैब में आएंगे रिमूव फ्रॉम सेल में से। तो चलिए अब हम एक ट्रैक को रिलीज़ करके देखते हैं कि क्या कुछ कैसे रिलीज़ करना है। तो क्रिएट अ न्यू रिलीज़ पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले, तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन आता है यूपीसी एंड ईएएन, तो इसको आपको खाली छोड़ देना है। अगर आपके पास है तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपका क्रिएट कर देगा अगर आपके पास आपका यूपीसी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, इसे खाली छोड़ दो। उसके बाद रिलीज़ टाइटल, आपका टाइटल क्या है, तो आपको अपने गाने का टाइटल दे देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं क्रिएट रिलीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट रिलीज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा प्लेट देखने को मिलेगा डैशबोर्ड। तो सबसे पहले हमें एल्बम डिटेल देनी पड़ेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉस लग के आके रखा है, जब आप इसे फिल कर देंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर का आ जाएगा टिक। तो सबसे पहले तो ये ट्रैक का नाम आ गया, उसके बाद लैंग्वेज क्या है, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा एल्बम वर्ज़न, अगर आपका कोई एल्बम वर्ज़न है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज इसे खाली छोड़ सकते हैं। जो यहाँ पे रेड स्टार लग के आ रहे हैं वो आपको कंपलसरी है, उनको आपको फिल करना पड़ेगा। तो आर्टिस्ट नेम क्या है, सबसे पहले तो हमें आर्टिस्ट नेम दे देना है, अपना आर्टिस्ट नेम दे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके कुछ दो आर्टिस्ट हैं तो ऐड ए आर्टिस्ट क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी आके रखा है, यहाँ पे मतलब उसने क्या दिया है, डीजे है, रिमिक्स है, लिरिक दिए हैं उसने, क्या दिया है, एक्टिंग की एक्टर, तो आप कोई भी यहाँ से चेक करके आप दो आर्टिस्ट के नाम यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, जो ये रेड कलर का आके रखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये रिमूव हो जाएगा। तो मेन आर्टिस्ट मेरा एक ही है, मैं अपना नाम यहाँ पे दे देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, म्यूज़िक आपका किस कैटेगरी से है, तो यहाँ से मैं कोई भी आप यहाँ से आपकी जो कैटेगरी होगी वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चलिए पॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद सेकेंडरी आप कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पे मैं डांस लिख देता हूँ। और कॉपीराइट किसके पास है, तो आपको यहाँ पे अपना लेबल नेम दे सकते हैं आप, या तो आप अपना आर्टिस्ट नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो साउंड रिकॉर्डिंग के कॉपीराइट किसके पास हैं, अगर आप किसी का दूसरे से आपने ट्रैक लिया है तो आप उसका वहाँ पे नाम ज़रूर डालिएगा, यहाँ पे उसको क्रेडिट ज़रूर दीजिएगा अगर आप विदाउट परमिशन उसके म्यूज़िक को यूज़ कर रहे हैं। अगर उसको पता चल गया कि हाँ आप विदाउट परमिशन उसके साउंड को यूज़ कर रहे हैं, तो वो रिक्वेस्ट डाल सकता है टेक डाउन की कि म्यूज़िक उसका है और आप यूज़ कर रहे हैं, वो आप पे केस भी कर सकता है। तो बच के रहिएगा, अपना म्यूज़िक ही रिलीज़ करिएगा, किसी दूसरे बंदे का मत करिएगा कॉपी करके, अपना खुद का क्रिएट करो। और उसके बाद रिकॉर्ड लेबल नेम, तो लेबल किस लेबल से आप इसको रिलीज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको अपना लेबल नेम सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद बारी आती है ओरिजिनल रिलीज्ड की, मतलब किस डेट को आप रिलीज़ करने जाते हैं। तो इसको कैलेंडर के ऊपर आपको क्लिक करना है, तो आज कितनी है, तो यहाँ पे 16 सेलेक्ट होके रखी है, तो यहाँ पे मैं इसे 16 पर ही सेलेक्ट रखता हूँ। और उसके बाद प्री ऑर्डर डेट अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, सेल स्टार्ट डेट रख सकते हैं, मतलब कब से जो अर्निंग आपकी स्टार्ट होगी वो डेट आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये कंपलसरी नहीं है, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे आपका कंटेंट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये एक्सप्लिक्ट तो नहीं है, तो यहाँ पे मैं नॉन एक्सप्लिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मुझे क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू ये जो बटन है यहाँ पे क्लिक कर देना है,
ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बार आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना, कोई गलत मत ऐड कर देना। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं टिक आ गया। उसके बाद मुझे ऑडियो ऐड करनी है, तो ऐड ऑडियो पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप ऑडियो का फॉर्मेट देख सकते हैं, इन्होंने दो फॉर्मेट बता के रखे हैं, एक MP3 और एक FLAC। तो जो FLAC है उसमें जो KHZ है वो 44.1K का होगा, और जो MP3 है वो 320 KBPS का होगा, और उसमें भी जो KHZ है वो 44.1 का ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा नॉर्मल फॉर्मेट है वो मैं यहाँ से चूज़ फॉर्मेट कर लेता हूँ, देखते हैं जो एक्सेप्ट होता है या फिर नहीं। अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो वो कैसे आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर रख के रखा है, तो चलिए यहाँ से मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर ये एक्सेप्ट होता है तो देखते हैं, चेक करते हैं, अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो कैसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, इन्होंने कहा है कि 320 KBPS मिनिमम होना चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे इसी जो बिट रेट का जो आपकी फ़ाइल है उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैंने जो वेबसाइट का लिंक दे के रखा है, डायरेक्टली आप यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो चूज़ फाइल करना है, ठीक है। तो चूज़ फाइल करने के बाद यहाँ पे मैं फिर से डेस्कटॉप पे आता हूँ। डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे मैं फिर से ऑडियो सेलेक्ट करता हूँ, और ये अभी अपलोड यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज ऑडियो बिट रेट, तो फर्स्ट में ही ये आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो बिट रेट जो था वो क्या था, यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा एक बार, 320 KBPS है और 44.1 है। तो चलिए यहाँ से मैं बिट रेट है जो वह यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे 320 KBPS हम कर देते हैं, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है कॉन्स्टेंट बिट रेट, इसको हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने। जो सेकंड वाला है उसको हम 320 KBPS पे कर लेंगे, और उसके बाद फर्स्ट हमने ये क्लियर कर लिया मेरी MP3 फॉर्मेट है। अगर आपका FLAC है तो आप FLAC का जो 44.1 कर दीजिएगा। तो MP3 है मेरा, तो 320 KBPS मैंने कर दिया, और उसके बाद 44.1 KHZ करना है मुझे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं जो सेकंड वाला ऑप्शन है चेंज सैम्पलिंग रेट, तो इस पे आना है, और यहाँ पे आपको ये आप देख सकते हैं 44100HZ, तो ये वही है 44.1 जो है ये वही चीज़ है 44100, तो इसको सेलेक्ट करना है। और अगर आप चेंज ऑडियो चैनल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना है आपको, बस ये दो सेटिंग्स करनी है, और उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट कन्वर्जन पे क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही ये देख सकते हैं ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है, आपको क्या करना है, आप अपलोड भी कर सकते हैं, जिप के द्वारा भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये देखिए सिंपली डायरेक्टली डाउनलोड हो गया डाउनलोड के बटन पे क्लिक करने के बाद। तो ये मेरा डाउनलोड हो रहा है, तो थोड़ी सी वेट कर लेते हैं, और वहाँ पर मैं आपको दिखा दूँगा कैसे आपको अपलोड करना है। तो ये डाउनलोड हो चुका है, तो चलिए इसको हम अब ट्राई करते हैं फिर से अपलोड करने के लिए। तो ये हमारा डाउनलोड में पड़ा होगा, तो ये पड़ा है, तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो देखते हैं अब ये एक्सेप्ट होता है या फिर नहीं, अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो मैं दूसरा फॉर्मेट ट्राई करूँगा FLAC, तो वो ट्राई करेंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं आया, यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ कि 100% अपलोडेड, मतलब ये एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वेबसाइट का मैंने लिंक दे के रखा है, आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे, आप अपने फॉर्मेट चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर ऊपर मुझे ट्रैक का नाम देना पड़ेगा, तो चलिए यहाँ पर मैं ट्रैक का नाम दे देता हूँ। ट्रैक का नाम देने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा, प्रोसेसिंग प्लीज़ वेट। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या कुछ हमें फिल करने के लिए आता है। तो जो हमने अभी ट्रैक फिल किया, तो उसका ये आप देख सकते हैं, उसकी जो मेटा डाटा है ऑडियो का,
वो आ जाएगा, ये आपको फिल करना है। कुछ चीज़ें पहले से ये फिल हैं, जैसे कि ट्रैक का नाम जो कंपलसरी है ये ऑलरेडी फिल है, और जो हमारा प्राइमरी आर्टिस्ट है वो ऑलरेडी जो फिल है, और उसके बाद ISRC कोड है ये मैंने नहीं भरा था, ये ऑटोमेटिकली जनरेट किया है रूट नोट ने, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हमारा हो चुका है। उसके बाद एक्सप्लिक जो कंटेंट है वो मैंने नॉन एक्सप्लिक पहले से सर्च करके रखा था, और उसके बाद जो ऑडियो की लैंग्वेज है आप यहाँ से ऑडियो की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश ही रहने दूंगा। आपकी जो भी ऑडियो की लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपका कुछ एल्बम है तो यहाँ पे आप ऐड मोर ट्रैक कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर सिर्फ एक सिंगल ट्रैक है तो आई एम फिनिश्ड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आई एम फिनिश्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं ये भी हमारा टिक हो चुका है। अब उसके बाद हमें आर्ट वर्क अपलोड करना है, तो चलिए अब हम अपना जो थंबनेल है वो भी अपलोड कर देते हैं। तो थंबनेल का यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इन्होंने फॉर्मेट बता के रखा है, JPG होगा, RGB होगा, और वो लेस देन 20 MB होगा, मतलब 25 MB से कम आपका जो वो होना चाहिए, आपका जो मेन जो आपका आर्टवर्क है। तो इसका ये इन्होंने साइज़ भी बता के रखा है 3000 pixel by 3000 pixel होना चाहिए। तो मैंने इस फॉर्मेट का पहले से बना के रखा है, तो ये आप ध्यान जरूर रखिएगा कि आपका जो आर्टवर्क होगा वो 3000 pixel by 3000 pixel का ही होना चाहिए, अदरवाइज़ वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरा एक्सेप्ट हो चुका है, और उसके बाद मुझे क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी लिख के रखी हैं, ये भी आप रीड कर लीजिएगा, कोई भी वेबसाइट का URL ना हो आपके आर्टवर्क में, और कोई नाम वगैरह ना हो, तो क्लीन होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं एल्बम डिटेल साथ साथ में ये हमें देखने को भी मिल रही हैं क्या क्या हमने फिल किया है, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा मैनेज स्टोर का, तो चलिए इसे भी कंप्लीट कर देते हैं। तो मैनेज स्टोर पे क्लिक करने के बाद ऐसा आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ कुछ चुनिंदा जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हीं पर आपका जो म्यूज़िक रिलीज़ हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा सेलेक्ट ऑल स्टोर्स, तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो हर एक प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छी बात दोस्तों ये आप देख सकते हैं YouTube का जो ऑप्शन है ये कंटेंट ID आपको फ्री में देता है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना कंटेंट ID के लिए, जैसे कि हम DistroKid में करते हैं, हर मंथ हम DistroKid जो $5 लेता है, रूट नोट आपको फ्री में कंटेंट ID देता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये आप प्राइजिंग सेट कर सकते हैं, क्या प्राइजिंग आपको रखनी है, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से स्टैंडर्ड पे है, अगर आप हाई रखना चाहते हैं तो आप हाई भी रख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म इन्होंने दे के रखे हैं, Amazon, iTunes, Google Play, 7Digital, आप अपनी मर्जी से प्राइजिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपका म्यूज़िक कुछ कंट्रीज़ में ना मतलब रिलीज़ हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी टेरिटरी आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये सारी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है, मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं और ना ही मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने स्टोर अपने सेलेक्ट कर लिए और आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, बस यहाँ पे सिर्फ एक ही सेटिंग करनी है आपको, सेलेक्ट ऑल स्टोर करना है और कुछ भी नहीं करना। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं हमारे सारे स्टेप्स जो 5 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको कि आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या फिर प्रीमियम के साथ जाना चाहते हैं। अगर आप प्रीमियम के साथ जाना चाहते हैं तो 100% आपको रॉयल्टीज़ मिलेगी और $10 आपको सिंगल के लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको एनुअली भी $10 देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम फ्री की बात कर रहे हैं तो हम फ्री डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन उसमें आपको सिर्फ 85% ही रॉयल्टीज़ मिलेंगी और बाकी जो होगी वो रूट नोट रख लेगा। तो ये आप देख सकते हैं सारे टिक लगे आ रहे हैं, ठीक है, ये आपकी एल्बम की डिटेल है और ये सारे के सारे स्टोर्स आ रहे हैं, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर कोई भी आपको इशू लगता है या फिर यहाँ पे कोई भी टिक पेंडिंग है तो उसे पहले कंप्लीट करो, और उसके बाद आपको क्या करना है, इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है आई अंडरस्टैंड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और फ्री डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट रिलीज पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा
और मेरा जो म्यूज़िक है वो सबमिट हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इन रिव्यू में आपको वो ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो आपका ट्रैक देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा जो ट्रैक है वो अभी इन रिव्यू में है। अब देखते हैं ये कितना टाइम लगाता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे कि रूट नोट कितना मिनिमम टाइम लेता है, तो मिनिमम यहाँ पे दोस्तों कोई भी हम फिक्स टाइम आप यहाँ पे मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अप्रूव्ड होने में 24 घंटे में हो जाए और हो सकता है एक महीना भी लग जाए, क्योंकि मेरे कुछ ट्रैक्स हैं जो वो 7 दिन में अप्रूव्ड हुए हैं और कुछ मेरे 24 घंटे में अप्रूव्ड हो गए थे। तो एक दो ट्रैक है जो हमारे जो यूज़र्स हैं उन्होंने ही बताया है कि एक महीना हो गया अभी भी पेंडिंग में ही चल रहा है। तो यहाँ पे मैं कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। जब भी रिव्यू होगा वो रूट नोट टीम के द्वारा ही होगा, और इसमें दोस्तों ना मैं कुछ कर सकता हूँ और ना आप कुछ कर सकते हैं, रूट नोट ही इसे अप्रूव्ड करेगा। आपको पेशेंस रखना है, जब भी अप्रूव्ड होगा रूट नोट ही करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा इन रिव्यू में है, जैसे ही ये अप्रूव्ड होगा आपको यूट्यूब पे हर एक प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगा। तो ये तो बात रही म्यूज़िक को सबमिट कैसे करना है, और उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं यूट्यूब के। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ यूट्यूब पे और देखते हैं हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले नेटवर्क का ऑप्शन है, तो चलिए देखते हैं यूट्यूब में नेटवर्क में क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हमें जो यूट्यूब पे आर्टिस्ट चैनल मिले तो कैसे हम आर्टिस्ट चैनल ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिंक यहाँ पे करके रखे हैं YouTube के 3 चैनल्स, तो अभी भी वो पेंडिंग में ही दिखा रहा है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, एक बार यहाँ पे लिंक कर दो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक फॉर्म का लिंक दे के रखा है जो कि ऑफिशियली रूट नोट का फॉर्म है, तो उसके ज़रिए आप जो आर्टिस्ट चैनल है उसके लिए आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो रूट नोट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं YouTube ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल रिक्वेस्ट, ये आप देख सकते हैं फील फ्री टू कॉन्टैक्ट support@rootnote.com। तो ये जो मेल है रूट नोट की, ये भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है, अगर कोई इशू आता है आप यहाँ पे रूट नोट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्म कैसे फिल करना है, सबसे पहले आपको अपनी ईमेल देनी पड़ेगी। तो ईमेल यहाँ पे कौन सी देनी पड़ेगी, यहाँ पे इन्होंने नीचे बता के रखा है कि जो आपकी रूट नोट की ईमेल है, मतलब जिस मेल से आपने रूट नोट अकाउंट क्रिएट किया है वो वाली ईमेल देनी है। तो वो वाली ईमेल यहाँ पे आपको फिल कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, रूट नोट यूज़र नेम, जो आपका यूज़र नेम आपने अकाउंट क्रिएट करते समय रखा था वो यहाँ आपको यूज़र नेम देना है। और उसके बाद आर्टिस्ट नेम, किस आर्टिस्ट नेम से आप अपना यूट्यूब चैनल जो वेरीफाई करवाना चाहते हैं एज ए आर्टिस्ट। तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपका जो आर्टिस्ट नेम है सेम नेम से आपका जो मेन चैनल है वो होना चाहिए जिसको आप कन्वर्ट करवाना चाहते हैं आर्टिस्ट चैनल में, तो वो नेम आपको यहाँ पे देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको देना है आर्टिस्ट चैनल URL, तो यहाँ आपको आपके चैनल का URL देना है, आपके YouTube चैनल का URL आपको यहाँ पे दे देना है जिसको आप कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। और उसके बाद बारी आती है ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो URL, मतलब जो ट्रैक अभी अभी आपने यहाँ पे सबमिट किया है अगर आपके चैनल पे वो वीडियो अपलोड है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा एक बार वीडियो अपलोड कर दीजिएगा सेम ही ट्रैक की अपने YouTube चैनल पे, और उस वीडियो का URL आप यहाँ पे दे दीजिएगा। बाद में आप उस वीडियो को डिलीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन एक बार आर्टिस्ट चैनल लेने के लिए जो अभी अभी ट्रैक आप सबमिट करने जा रहे थे जो मैंने अभी अभी किया, उसको एक बार अपने मेन चैनल पे अपलोड करके यहाँ पे उसका URL दे देना वीडियो का। ये सिर्फ कन्फर्मेशन के लिए होता है कि आप जो आर्टिस्ट चैनल, मतलब जिसको हम वेरीफाई करवाने जा रहे हैं, वो उसी आर्टिस्ट का है, किसी दूसरे बंदे का नहीं है। तो एक बार वीडियो को अपलोड कर देना चैनल पे, उसके बाद उस वीडियो का URL यहाँ पे दे देना, और वीडियो का URL वही देना जो अप्रूव्ड है रूट नोट के थ्रू, मतलब जो म्यूज़िक आपका रूट नोट के थ्रू लाइव हो चुका हो, किसी दूसरी वीडियो का यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, रिजेक्ट हो जाएगा आपका जो एप्लीकेशन है, जो फॉर्म आप फिल करेंगे रिक्वेस्ट को आपकी रिजेक्ट कर देगा रूट नोट। और उसके बाद बारी आती है टॉपिक चैनल URL, तो टॉपिक चैनल आपको पता ही है, जैसे ही आपका म्यूज़िक रिलीज़ होता है ऑटोमेटिकली आपका टॉपिक चैनल क्रिएट हो जाता है YouTube के ऊपर, तो उस टॉपिक चैनल का URL देना है यहाँ पे। और टॉपिक चैनल वीडियो URL, मतलब जो आपका म्यूज़िक रिलीज़ हुआ होगा और टॉपिक चैनल के अंदर जो होगी आपकी कोई भी वीडियो या फिर जो रूट नोट के द्वारा आपने रिलीज़ की है उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे देना है, जो टॉपिक चैनल में वीडियो है उसका यहाँ पे लिंक का URL देना है। और उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, लास्ट स्टेप बस सबमिट कर दो,
आपको ऑटोमेटिकली रिप्लाई आएगा रूट नोड टीम के द्वारा। और फिर से एक ही क्वेश्चन, कितना टाइम लगेगा इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई कमेंट नहीं कर सकता। वेट करो, पेशेंस रखो, ऑटोमेटिकली रूट नोड की टीम आपको रिप्लाई करेगी। अगर एक महीने के बाद रिप्लाई नहीं आता तो ये मेल दे के रखा है रूट नोड टीम ने, आप मेल के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप फ्री में जो यूट्यूब आर्टिस्ट चैनल है ले सकते हैं रूट नोड के द्वारा। तो चलिए अब हम देखते हैं और क्या फीचर आपको देखने को मिलता है रूट नोड में। तो ये तो बात रही YouTube आर्टिस्ट चैनल की, ठीक है। तो फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया कैसे म्यूज़िक सबमिट करना है, कैसे वो रिव्यू में जाता है, कैसे अप्रूव्ड होता है, हर एक चीज़ बता दी। उसके बाद मैंने YouTube में आपको बता दिया कि कैसे आप आर्टिस्ट चैनल ले सकते हैं फ्री में रूट नोड के द्वारा। और उसके बाद ये बारी आती है कंटेंट आईडी की। तो चलिए देख लेते हैं इसमें भी रूट नोड टीम ने क्या कुछ बोल के रखा है। तो ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, बाकी आप जो बाकी चीज़ें हैं वो आप खुद एक बार देख लेना। यहाँ पे मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि आप कैसे रूट नोड टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये इन्होंने कंटेंट आईडी के बारे में ये देख सकते हैं बता के रखा है, ये आप रीड कर लेना कि कैसे कंटेंट आईडी के थ्रू आपकी अर्निंग आपको रूट नोड में मिलेगी, डायरेक्टली आपके एडसेंस में नहीं जाएगी। सबसे पहले वो रूट नोड के पास आएगी, उसके बाद अगर आपने फ्री में म्यूज़िक रिलीज़ किया है तो उसमें से 15% रूट नोड रख लेगा, फिर वो आपको मिलेगी, ठीक है। ऐसे कंटेंट आईडी वर्क करती है और ये फ्री में देता है रूट नोड। और आज की वीडियो में लास्ट में ये एक देख सकते हैं कम्युनिटी एंड सपोर्ट। तो यहाँ पे अगर आपको कोई इशू है तो आप डायरेक्टली ये जो नॉलेज बेस है इसमें तो ब्लॉग्स लिख के रखे होंगे रूट नोट ने, अगर कोई इशू है तो ब्लॉग रीड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे सपोर्ट टिकट है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप टिकट यहाँ पे रेज कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 2 महीने पहले मैंने म्यूज़िक टेकडाउन की जो टिकट है वो रेज की थी और ये मैं अब क्लोज कर चुका हूँ। मतलब ये मेरा जो मैंने ये टिकट रेज की थी इसका मुझे सोल्यूशन मिल गया था, मेरा म्यूज़िक टेकडाउन हो गया था। न्यू टिकट कैसे रिलीज़ करनी है, क्रिएट न्यू टिकट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपका जो भी इशू है आपको बता देना है, ये कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, पेमेंट का कोई इशू है पेमेंट सेलेक्ट करो, और कौन सा ये आप देख सकते हैं यूपीसी नंबर, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था यूपीसी नंबर कौन कौन सा है, ठीक है। टिकट सब्जेक्ट यहाँ पर दे देना है क्या इशू है, और उसके बाद सारा मैसेज लिख दो कंप्लीट क्या इशू आ रहा है, और उसके बाद कोई स्क्रीनशॉट भी दे सकते हो। सबमिट टिकट करोगे आपको रिप्लाई आ जाएगा। और ये ओपनिंग आवर्स इन्होंने लिख के रखे हैं, ठीक है। सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, वो हॉलीडे होगा वहाँ, उस टाइम पे आपको कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा। तो इस तरह से आप रूट नोट की टीम के साथ जो टिकट है उसके ज़रिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको पता चल गया होगा रूट नोड के बारे में, क्या क्या रूट नोड आपको प्रोवाइड करता है, कैसे म्यूजिक सबमिट करना है, कैसे आप रूट नोड से फ्री में आर्टिस्ट चैनल ले सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा।